सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है, लेकिन इसके साथ ही देश पर कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश का कुल कर्ज चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में बढ़कर 2.47 ट्रिलियन डॉलर या 205 लाख करोड़ हो गया है। हालांकि इस बीच डॉलर की कीमत में होने वाली बढ़ोतरी का असर भी पड़ा है, जिसने कर्ज के आंकड़ों को बढ़ाने का काम किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले बीते वित्त वर्ष की जनवरी मार्च तिमाही में कुल कर्ज 2.34 ट्रिलियन डॉलर या करीब 2 लाख करोड़ रुपए था। IndiaBonds.com के सह संस्थापक विशाल गोयनका ने भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों का हवाला देते हुए केंद्र और राज्यों पर कर्ज के आंकड़े पेश किए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का कर्ज सितंबर तिमाही में 161.1 लाख करोड़ रुपए रहा, जो मार्च तिमाही में 150.4 लाख करोड़ रुपए था। इसके साथ ही बताया गया कि राज्य सरकारों की कुल कर्ज में हिस्सेदारी 50.18 लाख करोड़ रुपए होती है। गौरतलब है कि इस अवधि में अमेरिकी डॉलर की कीमत बढ़ने का भी असर कर्ज के इस आंकड़ों पर पड़ा है। दरअसल इससे ऐसे समझ सकते हैं कि मार्च 2023 महीने में एक डॉलर 82.5 रुपए के बराबर था, जो कि अब बढ़कर 83.15 रुपए पर पहुंच चुका है। IndiaBonds.com में ये रिपोर्ट RBI, CCI और SEBI से जुटाए हुए आंकड़े के आधार पर तैयार की गई है। इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार पर 161.1 लाख रुपए यानी कुल कर्ज का सर्वाधिक 46.4% है। इसके अलावा राज्यों की हिस्सेदारी यानी 50.18 लाख करोड़ रुपए 24.4% बैठती है।